आरा में हथियारबंद अपराधियों का कहर। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। आरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हथियारबंद अपराधी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन में जुटती है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं और बिजली दुकानदार को इस तरह गोली मारते हैं और घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी है, लेकिन सवाल है कि आखिर गश्ती गाड़ी पुलिस का क्या करती है। पूरी खबर देखिए इसमें। जानकारी नहीं है कि हम लोग का दुकान पर साथ दुकान गड़ानी में है। गड़ानी में कहाँ पर? क्या चीज़ की दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। अच्छा, तो ये मतलब वो जो मारने वाला वो कौन चीज़ से था सर? हम लोग का मालूम है, हम लोग बारे में थे इसलिए। अच्छा, पहले से कोई विवाद हुआ था? नहीं, विवाद किसी के साथ नहीं। तो मैंने कोई रंगदारी नहीं मांग रहा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। आप लोग क्या सूचना मिला? हम लोग अभी कोई सूचना नहीं। अरे आप लोग क्या सूचना मिला? गोली लगा तो? गोली लगा तो कोई फोन किया कि तुम्हारे भाई की गोली लग गया है। ये घटना कहाँ हुआ है? गढ़ानी में, गोला पे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। क्या लगता है आप उसके? बड़े भाई है। उसका क्या नाम है? अनूप कुमार। आप पिताजी? सतेंद्र सिंह। गाँव कहाँ है? चरपोखरी थाना। चरपोखरी थाना। गोली लगी हुई आई है। एक गढ़नी का एक यंग लड़का है, उसको गोली लगी है बाहर छाती में, इसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो गया था। अभी तो गोली निकाल दी गई है और छाती के अंदर ट्यूब डाल दिया गया है, थोड़ा कुछ को भी अभी तत्काल ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन फॉर टाइमिंग बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और दो तीन यूनिट ब्लड का हम लोगों ने अरेंज कर दिया है, अभी ब्लड उसको चढ़ाएंगे। बीपी पल्स अभी स्टेबल है, लेकिन अभी उसको मैं एडमिट कर दूँगा एक समय। कहना है कि अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि गढ़नी थाना अंतर्गत गढ़नी जो बाजार है, बाल बांध है, तो बाल बांध गाँव है, वहाँ के रहने वाले एक सतेंद्र सिंह, सतेंद्र यादव के पुत्र अनूप कुमार बाजार के पास खड़े थे और उसी समय एक लड़का आता है बाइक से और उनको एक गोली मार देता है। और उसके बाद तत्काल जो पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जो घायल व्यक्ति है उनको ले जाके अस्पताल में अभी एडमिट करा दिया गया है। और अभी जो घायल व्यक्ति हुआ खतरे से बाहर है और जो अभियुक्त जो गोली मारा था उसकी बाइक हम लोग बरामद कर लिया है और अभियुक्त का पता अभी सत्यापन कर रही है हमारी टीम और हम लोग आशा करते हैं जल्दी जो है जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा घटना का कारण क्या था, कोई विवाद था, तो हमारी टीम काम कर रही, बहुत जल्द ही जो है इसको गिरफ्तार करने में सफल होगी। कहाँ बोलो सर? बाहर।